जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार फौजी पे। तो भाई जितने भी लोग अपने से जुड़े हैं, अपने चैनल से जुड़े हैं, उन सभी को बधाई देता हूँ कि अपने चैनल पे जल्दी 200 के कंप्लीट होने वाले हैं। और भाई ये सब सिर्फ आपकी बदौलत हुआ है, जो कुछ मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सभी लोग उसमें मेरा सहयोग कर रहे हो, साथ दे रहे हो। तो भाई सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का। और भाई आज का वीडियो हम उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर SSC GD 2024 वालों के लिए आप कट ऑफ का वीडियो लेके आ रहे हो, लेकिन सर जो हम तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के भी या फिर जो लड़के इसमें फेल हो गए थे उन लोगों के लिए असर आप क्या लेके आ रहे हो, कुछ स्टडी प्लान या कुछ भी, मतलब जो भी सर थोड़ा बहुत हमें मतलब मोटिवेट करने के लिए कोई भी ऐसा एक ऐसा वीडियो आप लेके आओ जिसके माध्यम से सर हम थोड़ा बहुत मोटिवेट और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो भाई आज का अपना वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पूरी तरह से होने वाला है। तो जो लोग 2025 की SSC GD की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखो आपकी एग्जाम जो होनी थी, मैंने पहले ही बताया था आपको कि भाई जनवरी फरवरी में आपकी एग्जाम होंगी। SSC GD ने भी आपको बता दिया कि जनवरी और फरवरी में आपकी एग्जाम स्टार्ट होंगी, मतलब फरवरी में खत्म हो जाएंगी, जनवरी में स्टार्ट होंगी। फिक्स डेट का आपको पता नहीं है। अभी भाई देखो चल रहा है अक्टूबर, आपके पास महीने पड़े हैं पूरे 2, और जिनकी एग्जाम बाद में होगी उनके पास 3 भी हैं, जिनकी एग्जाम पहले स्टार्ट होगी उनके पास 2 महीने। तो भाई देखो आप लोग क्या मान के चलोगे अभी कि आपके पास 2 महीने हैं, ज़्यादा टाइम है। देखो फिक्स डेट आई नहीं है, किसी का कोई ऐसा है नहीं, किसी का भी मतलब एडमिट कार्ड आ गया है कि किसके पास कितना टाइम है। तो देखो आप सिर्फ अभी एक माइंड सेट ये करके चलो कि आपके पास सिर्फ 60 दिन है, अभी 60 दिन में आपको क्या कवर करना है। तो देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक SSC GD का कोई कोर्स किया ही नहीं है, कम्प्लीट कोर्स नहीं किया। सबसे पहले मैं देखो एक आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हमेशा शुरुआत से बोलते आए हूँ, अभी भी मैं यही बोलूँगा कि भाई मैं आपको ऑफलाइन कोर्स के लिए रिकमेंड करूँगा। आप ऑफलाइन किसी भी कोचिंग से जाते हो, जो फर्स्ट बार तैयारी करें ना उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में जाओ, SSC GD का कोचिंग में मतलब बैच में आप जाके उसमें क्लास लो। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, XYZ कोई भी टीचर हो, ठीक है, ये दूसरी बात होती है कि किसी टीचर का अच्छे समझ में आता है, किसी का थोड़ा कम समझ में आता है, वो दूसरी बात, लेकिन किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो XYZ जो कोई भी है, ठीक है, तो उसका जैसे मान लो आप जो वो बंदा वहाँ पढ़ा रहा है उसको वहीं पे मतलब पूरा आपको रफ कॉपी में उतारना है, घर आके फेयर कॉपी में आपको उतारना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, इस वीडियो में हम आपको वो स्ट्रेटजी बताएंगे जिसके माध्यम से कम आपने मान के चलो 160 में से 140+ स्कोर आराम से कम कर सकोगे, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। और अगर जो अच्छी तैयारी पूरा वीडियो अच्छे से देखेगा समझेगा वीडियो को, उनके लिए और भी बेस्ट है, वो 150 से अबव भी नंबर ला सकते हैं आराम से। तो देखो सबसे पहले मैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट है ना, आर्ट्स और कॉमर्स वाले जिनके मतलब 12th में साइंस मैथ नहीं होती है, तो उनका तो क्या होता है ना, मैथ इस दिन थोड़ा सा वीक होता है, उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए कि आप लोग वीडियो सर वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो पूरा देखना, आपको XYZ जितना भी कुछ है सब आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आर्ट्स वालों का एक कॉमन इश्यू होता है कि सर हमें मैथ कमज़ोर है, हमारी मैथ में हमारे नंबर नहीं आ पाते हैं, और तो सर हम हर चीज़ कवर कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है भाई, जिन लड़कों में 12th में मैथ होती है ना, जैसे मेरे भी 12th में मैथ थी, जिनकी 12th में मैथ होती है ना, कंपटीशन की मैथ उनके लिए नॉर्मल मैथ होती है। जो बंदा 12th और BSc कर लेता है मैथ से, वो बंदों के लिए ये कंपटीशन की मैथ नॉर्मल होती है। तो भाई दिक्कत किसको आती है, दिक्कत भाई आपको आती है, वो बंदे तो मैथ में इतना स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना कि मतलब मैथ का टाइम एडजस्ट करके और दूसरे सब्जेक्ट में लगाते हैं और उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाते हैं। एग्जाम वाले दिन भी वैसे ही करते हैं, मैथ रीजनिंग कर लेते हैं पहले, फिर आराम से GK और ये हिंदी करते रहते हैं, ठीक है। तो देखो आर्ट्स वालों की बताऊँ सबसे पहले भाई, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप कोई भी सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ नहीं कोई भी सब्जेक्ट है, आप क्या करो सबसे पहले कोई भी कोर्स खरीदते हो, ऑनलाइन कोर्स लेते हो या फिर कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, सबसे पहले जो टीचर आपको पढ़ाता है, जैसे मैथ को लेकर चलते हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा आज टीचर ने आपको मतलब तीन तरीके के सवाल आज टीचर ने आपको समझाए, किसी भी मतलब टॉपिक के परसेंटेज के 3 तरीके के सवाल समझाए, तो उन तीनों को आपको रफ कॉपी में उतारना है। रफ कॉपी में उतारने के बाद आपको घर पर आके क्या करना है, उन्हीं को आके आराम से फेयर कॉपी में अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग आपको उतारना है। सुंदर हैंडराइटिंग का मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई सुंदर अगर आप उतारते हैं तो उसका आपको पढ़ने का मन भी करता है अच्छे से, ठीक है, इसलिए मैं सुंदर का बोल रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई वो लॉजिक नहीं है कि सुंदर क्यों उतारना है, ठीक है, वो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ने में मतलब थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आती है।
ठीक है, आपने उसमें उतारना है फेयर कॉफी में। फेयर कॉफी में उतारने के बाद भाई आपको क्या करना है कि जो आपने आज किया ना, आज आपको जो पढ़ाया गया वो फेयर कॉफी में उतार लिया, फिर आपको दोबारा कप कॉफी में उसका रिवीजन करना है। उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है, जिस मेथड से आपको बताया गया वो मेथड आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि कौन से मेथड से हमें आज बताया गया है। ठीक है, वो मेथड आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर क्या करना है कि जैसे आज आपने पूरा इसका दो बार रिवीजन कर देना है, ऐसे आपको जी क्या करना है, जी के जो आपको आज पढ़ाया था वहाँ पे रफ कॉफी में उतार के लाओ, फेयर कॉफी में अच्छी सी राइटिंग में उसको उतार दो और उसको दो तीन बार लिख के या फिर वैसे याद कर लो। ठीक है, रीजनिंग का भी आपको ऐसे करना है, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको रफ कॉफी में उतारो, फेयर कॉफी में ला के उतारो, बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लो। हिंदी का भी आपको सेम करना है। अब सेकंड डे आपको क्या करना है, ये फर्स्ट डे का काम आपका हो गया, सेकंड डे आपको क्या करना है भाई, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, कंफर्म मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लड़कों को मेरे पास मैसेज आए थे इस भर्ती वालों के, सर आपने मैथ में जो चीज़ हमें बताई थी वो सर रियल में बहुत काम की है हमारे। ठीक है, बहुत मतलब उससे हमारे एक तरह से मतलब नंबर बढ़े हैं पिछले एग्जाम्स के बजाय, बार नंबर अच्छे आए हैं। देखो आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको क्या करना है, जो आपको वहाँ बताता है सेम आपको रिपोर्ट में उतारना है। अब आपको क्या करना है, फेयर कॉफी में लाके वो उतार देना है एज इट। अब आपको उसका मतलब उसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट डे आपने जो पढ़ा था ना उसका पहले आपको रिवीजन करना है। जैसे फर्स्ट डे आपने चार मेथड से क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, उनका रिवीजन करना है पहले। रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है, जीके में जो पहले दिन के जो क्वेश्चन थे उनको पढ़ो पहले, रिवीजन करो, फिर सेकेंड डे वालों की आप तैयारी करो सेकेंड डे में। ठीक है, अब ऐसे आपको चारों सब्जेक्ट तैयार करनी है। फिर थर्ड डे आपको क्या करना है कि पहले जो दो दिन के जो क्वेश्चन थे ना उनका आप रिवीजन करो अच्छे से। ठीक है, फिर थर्ड डे वाले को पार्ट को लो, ऐसे भाई आपको लगातार करना है। ऐसे जीडीए कोर्स इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि आपको दो महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता भाई, हो सकता है आराम से हो सकता है। ऐसे आपको थर्ड दिन करना है कि आपको दो दिन के शुरू का अच्छे से तैयार करना है, फिर तीसरे दिन का स्टार्ट करना है। भाई नॉर्मल शब्दों में जिसकी समझ में नहीं आया मैं उसको बता देता हूँ कि आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से पहले क्या करना है, जो पहले के जो टॉपिक थे ना उनको आपको कवर करना है, पहले के जो भी टॉपिक थे आपके उनको आपको कवर करना है, मतलब एक बार उनका रिवीजन करना है, फिर आपको नया टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले के टॉपिक पढ़े नहीं, एक बार पढ़ लिए, टीचर ने पढ़ाया, आपने घर आके तैयारी की, ऐसे कैसे उनको रख दिए, ऐसे कैसे उनको नहीं रखना है, उनको ताज़ा करते रहना है बार बार। नया टॉपिक पढ़ रहे हो उससे पहले पुराने टॉपिक को एक बार सरसरी तौर पे, अगर आप एक घंटे को सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो 10 मिनट सरसरी तौर पे पुराना टॉपिक देख लो, फिर बाकी 50 मिनट नए टॉपिक को दे दो, ऐसे ही फिर दूसरे दिन दोबारा 10 मिनट पुराने टॉपिक को देख लो, बाकी के 50 मिनट नए टॉपिक दे दो। भाई कसम से बोल रहा हूँ, अगर ये अगर आपको मतलब पढ़ने में याद करने में अगर हेल्पफुल नहीं होता है ना, आप एक बार 10 दिन 15 दिन आप एक ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता है तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बोलना भाई। जब मैंने तैयारी की थी मैं भी सेम ऐसे था, लेकिन भाई मेरी एक बहुत अच्छी आदत यह थी, मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छी हो किसी के लिए बुरी हो, कि मेरे चार सब्जेक्ट हैं तो मैं क्या करता था ना, चारों सब्जेक्ट के रजिस्टर जो होते थे, फेयर रजिस्टर, फेयर कॉपी जो बोलते हैं, उनको इतने अच्छे से रखता था ना मैं, मतलब उनकी बाहर से पैकिंग देख लो, कुछ भी देख लो, राइटिंग देख लो, अलग अलग रंग बिरंगे पेन का उपयोग करना भाई, वो नोट्स फिर इस टाइप के बन जाते हैं ना। जैसे मान लो किसी ने पहले कोर्स कर रखा है, अब वो क्या करेगा ना, जैसे मान लो कोई बंदा है उसने कोर्स कर रखा है ऐसे जीडीए कंप्लीट, उसके पास नोट्स हैं, अब देखो उसके पास मैथ का नोट्स है, रीजनिंग के नोट्स हैं, जीके के नोट्स हैं, हिंदी के नोट्स हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग से है और अच्छे अच्छे कलर्स वाले पेन से उसने बना रखे हैं, बढ़िया वाले नोट्स। अब जब भी वो तैयारी करेगा ना, जैसे उसको मान लो आज परसेंटेज पढ़ना है, मैथ का टॉपिक परसेंटेज क्लियर करना है, तो क्या करेगा, नोट्स लेगा, फेयर रफ कॉफी लेगा, परसेंटेज बढ़िया से निकालेगा, मॉक टेस्ट तैयार करेगा, जितने भी PYQ हैं वो तैयार करेगा, वो PYQ भी तैयार करेगा, मॉक टेस्ट भी देगा, लेकिन जो अपने नोट्स हैं ना नोट्स है, उनको भाई डेली का आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा या एक घंटा दो हर सब्जेक्ट के नोट्स को। वो नोट्स आपकी इतनी अच्छी राइटिंग में है, आपने तैयार किए हैं, आपने खुद के हाथ से लिखी हुई है ना, खुद के हाथ से लिखी हुई चीज़ ज़्यादा जल्दी याद होती है। और जो आपकी अच्छी राइटिंग में जो नोट्स होंगे ना उनको आप पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, जल्दी आपका तैयार होगा, कोई भी आपको जो भी कन्फ्यूजन रहेगा वो जल्दी क्लियर होगा। मैथ भी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा अगर एक बार रिवीजन कर लेते हो ना तो आपको जरूरी नहीं है कि बार बार उसको निकालने की जरूरत है, रफ कॉफी में निकालना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसकी अगर अभ्यास कर रखा है तो मैथ में भी क्या होता है, फिर आप आराम से आप उसको जैसे कोई भी आपने टॉपिक निकाला उसको नॉर्मल ऐसे देखा सरसरी तौर पर आपको आंखों से देखा और आपका क्लियर होता जाएगा। वो मैथ में भी ऐसा कर सकते हो। और भाई अब देखो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कुछ लोग क्या करते हैं कि सर मतलब मेरा मैथ कमज़ोर है, मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो उनको क्या करना है, देखो उनके लिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जो मैथ वाले सब स्टूडेंट्स हैं
जिनके ट्वेल्थ में और बी एस सी जिन्होंने कर रखी है, उनके लिए बताता हूँ कि भाई आपको मैथ रीजनिंग में जिस मतलब इस पर बताता हूँ, राजस्थान हरियाणा यूपी बिहार इनके लिए तो भाई एक चीज़ बढ़िया बताता हूँ कि अगर आपने मैथ रीजनिंग में अगर 80 में से अगर 75 प्लस नंबर अगर नहीं लेके आए ना तो भाई आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इन चार स्टेट वालों के लिए तो स्पेशल बता रहा हूँ यार। मैथ रीजनिंग में ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब सबसे कम टाइम लेते हैं, सबसे जल्दी सरल होते हैं, जल्दी मतलब एक बार अगर आपने जो थ्योरम्स उसकी है जो भी टॉपिक है जिस तरीके से आपको पढ़ना है वो अगर एक बार तैयार हो गया ना तो सब कुछ क्लियर होगा भैया, आपका कोई दिक्कत नहीं होती फिर उनमें, वो आपको बढ़िया से अच्छे से तैयार करनी है और उसमें 75 प्लस लग के आने हैं। हिंदी है, हिंदी में भाई 40 में से आराम से सब लोग आप 38 गुण 40 आराम से लेके आ सकते हो, 38-40 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो। सबसे बड़ी जो सबसे कम जिसमें नंबर आते हैं वो लगभग ये होता है सर कि जीके में कम आते हैं, तो भाई जीके में आप किसी भी बंदे की उठा के देख लेना, किसी के भी उठा के देख लेना। एक एवरेज बताता हूँ मैं आपको, एवरेज जो मतलब सबसे ज़्यादा जो जीके में कितने नंबर आते हैं, 20 से लेके 30 नंबर वाले जीके में आपको 80% मिलेंगे, और जो बंदे टॉप करते हैं ना वो बंदे भाई 30 से अबव वाले में आते हैं, ठीक है 30 से ज़्यादा नंबर उनके होते हैं 40 में से, और अगर 35 प्लस अगर आपके जीके में है ना तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 35 प्लस जीके में कवर किया है तो इसका मतलब मैथ रीजनिंग में आपने 80 में से 80 कवर किए हैं, हिंदी में भी आपने 40 में से 40 कवर किए। जो बंदा जीके में अगर 35 प्लस कवर कर सकता है वो हर सब्जेक्ट में अच्छे से कवर कर सकता है। मेरा ये पर्सनल मानना है खुद का, जब मैंने मतलब ऐसे वीडियो पेपर दिया था तो मेरे मात्र 16 नंबर आए थे भाई, 25 में से मात्र 16 नंबर थे मेरे। अगर उस टाइम पे अगर ज़्यादा नंबर आ जाते तो क्या पता SSF मिल जाती, NCC के नंबर हो जाते तो भी SSF मिल जाती। मैथ रीजनिंग में भाई मेरे 50 में से 49 नंबर थे, एक नंबर गलत हुआ था सिर्फ, ठीक है। सबसे बढ़िया मेरा मैथ रीजनिंग निकला था क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे 12th में मैथ सब्जेक्ट थी। इसलिए आपको बोलता हूँ आपको इस मतलब ये जो प्लान मैंने आपको बताया ना इस पर आप एक बार थोड़ा बहुत गौर फरमा के देखना, आपकी कन्फर्म भाई इसमें आराम से थोड़ा बहुत सक्सेस होने का चांस रहेगा ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। अगर जिनको वीडियो अच्छा लगा हो भाई, जो नए स्टूडेंट है भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको जुड़ जाना चैनल से, जो चीज़ आपको बोलोगे ना, जो चीज़ आपके सस्पेंस में देगा, जो टॉपिक आप बोलना चाहते हो उसी टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में कोई भी भ्रम नहीं रहने देंगे, जो लोग बोलते हैं सर पोस्ट प्रेफरेंस में हमने ये गलत लगा दिया वो कर दिया, हर चीज़ का आपको बताएंगे हम, कोई भी आपके डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। तो नए जो लड़के हैं वो भाई जुड़ जाना चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को इसको वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।